पूर्णिमा शर्मा। डायबिटीज, शुगर, क्या हम खुद अपने शरीर में इसको पैदा करते हैं या अपने आप पैदा हो जाती है? क्या हम शरीर में टॉक्सिन्स डालते हैं, ऐसे खाने डालते हैं जो बीमारी को पैदा करें? क्या हम बीमारियों की जड़ खुद पैदा करते हैं शरीर में, या वास्तव में ये कुछ ऐसा डिजाइन होता है कि आपके शरीर में बीमारियां पैदा होनी ही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेचुरोपैथ डॉक्टर एन के शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। डॉक्टर शर्मा, आज के कार्यक्रम का जो हमने टाइटल रखा है, रूट कॉज ऑफ डायबिटीज, मधुमेह या शुगर, उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है? क्या वो हमारी लाइफस्टाइल में छुपी है? क्या वो हमारे खान पान में जुड़ी है? क्या वो हमारी आदतों में जुड़ी है? क्या वजह हम ही खुद पैदा कर रहे हैं? शरीर को कोई शौक नहीं है कि वो हमें बीमारी दे, जैसा कि आप कहते हैं? देखिए बेसिकली डायबिटीज जो है ये हम तीन तरह से अपने अंदर पैदा करते हैं। एक है मेंटली, एक है न्यूट्रिशनली और एक जी है केमिकली। ये तीन तरह से हम लोग इसको पैदा करते हैं बेसिकली। जैसे मेंटली जो डायबिटीज होती है ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप करते हैं अपने अंदर। तो इंटरनल जो स्ट्रेस बिल्डअप करने वाले जो लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो थोड़े शरीफ किस्म के होते हैं। क्योंकि जो शरीफ लोग होते हैं जिनको मतलब अपनी सराफत के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से बाइंडिंग रहती है और वो उनकी इमेज भी बाजार में समाज में एक बहुत अच्छे आदमी की रहती है, तो अब उनको कई तरह से अंदर इरिटेशन या इरिटेबिलिटी जब आ रही होती है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो उस चीज़ को वो निकालते नहीं हैं और वो अंदर ही अंदर जो है उनको बुरा लग रहा होता है लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं। तो एक अच्छा बॉस, एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी पत्नी, जो भी मतलब जो मतलब जैसे मान लो एक सास है बहुत अच्छी है लेकिन अब बहू को उसके देखकर अंदर कई तरह की बातों से उसके दिमाग में परेशानी हो रही है लेकिन वो बोलती नहीं है क्योंकि वो घर में शांति चाहती है। तो इसी तरह कई जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, जाने दो, ज़्यादा बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बेकार में शांति भंग हो जाएगी, तो यहाँ बिजनेस बिगड़ जाएगा मेरा। तो क्या होता है कि इमोशन का मतलब है एनर्जी इंटू मोशन। यू क्रिएट सर्टन इमोशन इन योर माइंड विच यू डोंट लाइक, जो आपको पसंद नहीं है, तो वो इमोशन इमीडिएट आपकी ब्लड केमिस्ट्री को और पूरे हार्मोन को चेंज कर रहा होता है। अगर वो रिलीज हो जाता है तब तो फिर आपको फिर नए इमोशन के लिए फिर तैयार होना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, वो रिलीज नहीं होता, वो हमारे अंदर ग्रंथियों के रूप में स्टाब्लिश रहता है और हमारे डाइजेशन और स्पेशली हमारी पैंक्रियास उसको श्रिंक करके हमारे जूसेस सीक्रेशन स्लो डाउन कर देता है। देखिए दो चीजें हमारे लाइफ में घटती है, एक है हैप्पी मोमेंट, एक है अनहैप्पी मोमेंट। हैप्पी मोमेंट इज अ रिलैक्सिंग मोमेंट, तो उसमें आपका आपका भूख बढ़ती है, डाइजेशन बढ़ता है और आपका डाइजेशन खुलता भी है। और अनहैप्पी मोमेंट का मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड ऐसे श्रिंक हो जाता है और जूसेस स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब आप रोज की अगर आपकी आदत ऐसी है कि आप बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस ले रहे होते हो, इवन यहाँ तक कि कई लोगों को अच्छे आदमी भी नहीं है ना, तो कई लोगों की आदत सी पड़ जाती है कि बस स्टैंड पे खड़े तो अभी तक बस क्यों नहीं आई, अभी तक बस क्यों नहीं आई, अभी तक बस क्यों नहीं आई, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया आज मतलब। तो ऐसे 50 तरह के वो एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेने की आदत सी भी बन जाती है लोगों की। तो ये चीजें बेसिकली डायबिटिक क्रिएटर होती हैं। मैं उसको यूं कहता हूं कि जो लोग आइडियोलॉजिकल स्टाइल के लोग होते हैं ना, जो मतलब सर्टन डिसिप्लिन पसंद करते हैं, तो लोग इनडिसिप्लिन में रहते हैं तो उनका दिमाग खराब होता रहता है। जो हॉनेस्ट होते हैं तो वो डिसहोनेस्ट को लेकर परेशान रहते हैं। जो लोग सच बोलते हैं तो झूठ वालों को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो सारे दिन परफेक्शन को लेकर परेशान रहते हैं। जो सफाई पसंद है तो वो सफाई पसंद को लेकर परेशान रहते हैं। तो इस टाइप के लोगों को जी, डायबिटीज आप कभी भी नोट कर लेना सबसे पहले होती है। तो तो इसका मतलब आप बता रहे हैं कि दिमाग में हमारे छिपा है, हमारी आदतों में, हमारे थिंकिंग पैटर्न में। तो अब
अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आसपास का माहौल ठीक नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि घर में शांति बनाए रखने के लिए आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप नहीं बोल रहे, तो आपको क्या बोलना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या उसको, मैं उसको यूं कह, देखिए दो, दो दो ही तरीके हैं। देखिए पहली बात तो क्या होती है कि या तो आप वो कला सीखें आर्ट कि जिसको मैं कहता हूँ चांदी की थाली में अपनी बात को परोस दो। जैसे हम जनरली बात करते हैं ना किसी को, हम कहते हैं मान लो आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो हम जनरली स्टार्ट कैसे करते हैं, भाई साहब आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बोलते ना। तो वो सामने वाला बुरा ना मानो वर्ड से पहले से तैयारी कर लेता है कि कुछ बुरा होने बात बोलने वाला है। तो अब बुरा ना मानो भाई साहब एक बात को, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना आप, जैसे हम किसी को बोलते ना आप गुस्सा ना करो तो मैं एक बात बताऊं, ऐसे बोलते ना। तो वो बात जो है अगर आपको ठीक नहीं लग रही है और वो रिलीज की जा सकती है तो पहली बात तो वो कला हर आदमी को सीखनी चाहिए। अगर मान लो वो नहीं सीख पाते हैं तो देन यू मस्ट लर्न टू मेडिटेट, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैं अब साथ साथ में इसका रेमेडी भी बताता जाऊंगा, ताकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो मतलब सामने मान लो एक आदमी आपकी बड़ी बेइज्जती कर रहा है, आपको बेढंगा बात कर रहा है, आपको अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको तो बिजनेस से डील करनी है, तो उस समय क्या करना चाहिए मालूम है कि आप अपनी बॉडी को एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी बॉडी को जोर से या तो टांग को नीचे से स्टिफ कर दें, किसी को बताना नहीं कि आपने बॉडी को स्टिफ किया है, तो टांग को 10-15 सेकंड तक जोर से स्टिफ कर दें तो वो जो इमोशन रेज हुआ ना वो ट्रांसफॉर्म होके रिलीज हो जाएगा उसी समय। यानी तो आप बैठे बैठे मुट्ठी जोर से बींच ले, जैसे आप, मैं अभी आपके सामने बैठा हूं लेकिन मैंने नीचे से अपनी मुट्ठी जोर से बींच ली और 10 सेकंड तक मैं अपनी मुट्ठी को बींच के रखता हूं, तो उससे क्या होता है मेरा जो गुस्सा जो अंदर रेज हुआ, मेरे अंदर जो इरिटेबल इरिटेशन पैदा हुआ वो तुरंत वहां से रिलीज हो जाता है। यानी तो तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने पास में कोई चबाने वाली चीज जरूर रखें, जैसे चिंगम या पेपरमिंट होती है ना, कोई मिश्री विश्री, तो वो जैसे ही आपको लगे कि सामने वाला जरा व्यवहार ठीक नहीं कर रहा और मुझे दिमाग खराब हो रहा है तो उसी समय मुंह में मिश्री डाल दें या आप पेपरमिंट डाल दें या चिंगम डाल दें, उससे क्या होता है द मोमेंट यू चीव स्टार्ट चीविंग ऐसे करते हो तुरंत आपका वो जो गुस्सा है ना वो रिलीज होके खत्म होने लग जाता है। तो अल्टीमेटली वी मस्ट लर्न द आर्ट टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस एंड देयर मस्ट बी एन अवेकनिंग इन योर लाइफ कि अल्टीमेटली द होल वर्ल्ड इज लाइक दिस और मुझे उसको स्वीकार करके चलना है, मैं अपने स्केल लेके दुनिया को मापूंगा नहीं। ये आइडिया तो हर एक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि तुम दुखी होते कब तक रहोगे, कब तक अनहैप्पी होते रहोगे? तो इसीलिए जब तक हम मन को, मन के तनाव को, चिंता को, इरिटेशन को, अनहैप्पी मूवमेंट को हम अगर डायबिटीज में समझ नहीं पाए ना, तो देन विल बी कंटिन्यूइंग क्रिएटिंग डाइजेशन पे हम एक प्रकार से स्ट्रेस बिल्डअप करते रहेंगे और उसके कारण इंसुलिन सिक्रेशन थोड़ा डाउन होता जाएगा और हमारा एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन और ये सब चीजें फिर होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये कॉज पे जनरली लोग ध्यान देते नहीं है, बता रहा हूं मैं, इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और दूसरा कारण जो है माइंड के अलावा वो है न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन जो है ना वो तो खैर एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आज से कोई 50-60 साल पहले डायबिटीज इतनी रैम्पेंट, इतनी ज़्यादा नहीं थी और बड़े लिमिटेड केसेस होते थे। अब तो यूँ कहा जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में हम भारत जो है वो डायबिटिक कंट्री बन जाएगी, 17 करोड़ के करीब भारत में डायबिटीज केस हो जाएंगे। तो डायबिटीज इतनी जबरदस्त रूप से फैल रही है, इसके पीछे मेरा मानना ये है कि जितना, देखिए न्यूट्रिशन का बड़ा सिंपल सा लॉ है कि अगर वो होलसम है तब तो बॉडी जो है उसको अच्छे ढंग से मैनेज करती है और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो गई कि अभी जो आजकल जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग इतनी बढ़ गई है कि अगर आप किसी घर का खाना आप देखोगे तो आप पूरा खाना उठा के देख लो तो उसके घर में आप कहोगे साहब देखिए दो चीजें, एक तो ऐसा खाना जो बॉडी में एसिड क्रिएट करता है, यानी कि एसिड लेवल बॉडी का बढ़ाता है जिससे हमारे पेंक्रिया सेल टूटते हैं, मतलब इसके कारण। तो उसमें आपके घर में सुबह चाय पी जाएगी तो चाय एसिडिक है बॉडी के लिए, शुगर जो है वो बॉडी के लिए हाईली एसिडिक है। फिर बाद में कोई कहेगा मैं ब्रेड बिस्किट खाता हूँ जी, तो ब्रेड बिस्किट प्योर मैदा है तो हाईली एसिडिक है।
फिर कहेगा जी मैं कॉर्नफ्लैक्स खाता हूँ तो वो भी एसिडिक है क्योंकि वो तो रिफाइंड है पूरा का पूरा। फिर कोई कहेगा साहब मैं रोटी चावल दाल खाता हूँ तो उसका चावल भी सफेद पूरा धुला हुआ, दाल पूरी पीली धुली हुई, उसका वो तेल छोंक में मार रहा हूँ तो रिफाइंड यूज कर रहा हूँ मैं, तो और नमक मेरा सोडियम क्लोराइड है, प्योर रिफाइंड सॉल्ट है। तो अगर आप देखोगे पूरा घर का आटा जो है वो छना हुआ है पूरा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो होलसम फूड है कहाँ। तो ये प्रोसेसिंग जो है अभी इन सालों में जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है ना, तो उतना ही हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होने लग गई और ब्लड में एसिड कंटेंट बढ़ने लग गया धीरे धीरे, तो उसके कारण हमारे पैंक्रियास के सेल जो है जल्दी टूटने लग गए। लेकिन पुराने जमाने में देखो लोग तो रोटी दाल खाते ही थे, अनाज खाते थे, सब खाते थे, लेकिन इतनी शुगर बढ़ती नहीं थी क्योंकि होलसम खाना खाते थे। देखिए आज मैं यहाँ पे जीटी करनाल रोड के ऊपर जब मैं जाता हूँ अमृतसर पंजाब की तरफ, तो आप देखोगे कि वहां पे ना चावल की बहुत सारी दुकानें आती है, तो जहां पे ना ब्राउन राइस और अनपॉलिश राइस जो बेच रहे होते हैं तो उसका नाम उन्होंने लिखा हुआ होता है कि डायबिटिक राइस। अच्छा भाई, यानी कि चावल को अगर मैंने पॉलिश नहीं किया और होलसम एज इट इज उसका छिलका निकाल के अनपॉलिश और ब्राउन राइस खाया तो वो तो हो गया डायबिटिक राइस, और अगर उसको पॉलिश कर दिया व्हाइट बना दिया तो वो हो गया वो फिर डायबिटिक क्रिएटर राइस हो गया। तो इसका लेकिन इतना साफ सुथरा मतलब एक कॉमन आदमी भी समझता है कि होलसम मुझे चावल खाना है या दाल खानी या मुझे गेहूं खाना है। तो एक तो खैर ये कारण जो है प्रमुख है, लेकिन इसके अलावा भी एक और जो बहुत बड़ा कारण है कि जिस समाज में भी फल सलाड और जो नेचुरल जो सलाड वगैरह नहीं खाया जाता ना, तो हमारा ब्लड फाइनली बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक हो जाएगा। देखिए हमारे डायबिटीज में तीन मेजर समझे कि चार मेजर हमारे फूड फैक्टर है। पहला तो नॉनवेज है। देखिए नॉनवेज हाई एसिड क्रिएटर है, अगर जो लोग मीट अंडे सब ज्यादा खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं मतलब, तो उनको उनका एसिडिक प्रॉब्लम आज नहीं तो कल तो उनको भुगतना पड़ेगा, और चूंकि वो उसमें फैट कंटेंट भी बहुत हाई है तो पैंक्रियास को बहुत वर्क भी करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो डेंजरस जो जोन है इसके अंदर वो है मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि मिल्क जो है वो हार्मोनल फूड है, इसीलिए वो हार्मोनल फूड जो है जब हम अपनी बॉडी को देते हैं तो वो पैंक्रियास को बड़ा सीवियरली बहुत फास्ट तोड़ती है। ये भी एक बड़ा अजीब सा खेल है, बल्कि मैं यूं कहता हूं कि दूध दही लस्सी पनीर लेते हुए कोई भी डायबिटीज से ठीक होना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेसिकली हार्मोन बॉडी में चेंज कर रहा होता है। तो इसलिए इन चीजों से दही देखिए थोड़ा बहुत ओकेशनली इस्तेमाल करने से कोई बीमार नहीं होता, यहाँ बॉडी देखिए बड़ी अकोमोडेटिव है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रेगुलरली सोचते कि मैं लस्सी भर भर के पी लूँ, मैं बड़ी बड़ी ग्लास लेकर मैं रोज, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर शुगर कंट्रोल नहीं आती। और तीसरा प्रॉब्लम क्या मालूम है कि खाली जो अनाज दालें हैं, अनाज दालों में भी जो वीट है ना वो डायबिटिक क्रिएटर ज्यादा है, वीट प्रोडक्ट जो है, क्योंकि उसमें जो ग्लटन होता है ना उससे हमारे बहुत सारे सेल में और इंटेस्टाइन में ना डैमेजेस होते हैं ग्लटन के कारण जो है, तो इसीलिए राइस थोड़ा उसके मामले में सॉफ्ट माना जाता है और गेहूं जो है थोड़ा प्रॉब्लम सम माना जाता है। इसीलिए डायबिटीज में आपने देखा होगा कि गेहूं के अलावा बाकी रागी ज्वार बाजरा वगैरह जो दूसरे जो ग्रेन्स होते हैं जनरली होल मल्टी ग्रेन ये सब जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। तो इसीलिए गेहूं और दूध ये सब रहते हुए जल्दी शुगर कभी डाउन नहीं होगी। तो अब यहाँ पे बाकी देखिए प्रोसेसिंग ऑफ फूड तो है वो तो एक अपने जगह पर है ही है, तो मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो अब समझना क्या मालूम है, अगर हम खाली पहले की तरह नॉन वेज खाते रहे, न दूध पीते रहे, न रोटी दाल ही खाते रहे, तब तो शुगर के कंट्रोल होने का कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ये डेवलपर है, ये बेसिकली क्रिएटर है शुगर के, तो इसीलिए इनके कारण हमारा ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो रहा होता है डाइजेशन में। तो अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्या समझना पड़ेगा, मैं एक ग्रेन खाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर लोग समझ जाए तो उनको शुगर होने की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। देखिए जो चीज ग्रीन स्टेट में होती है जैसे हरे मटर, हरे चने, स्प्राउट्स, जितने भी स्प्राउट्स हैं, ये चूंकि एक लाइवली और ग्रीन स्टेट में है तो आप चाहे 10 किलो रोज खा लें तो भी शुगर नहीं बढ़ेगी आपकी, जीरो बढ़ेगी।
लेकिन आपने इनको सुखा दिया और होल ग्रेन बनाकर फिर आपने इनको बॉईल कर दिया। अब बॉइलिंग का मतलब है यहां से प्रोसेसिंग शुरू हो गई, तो अब यहां से 5-10% शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी, यहां से समझो यहां से 10% शुगर बढ़ी समझो, है तो होल ग्रेन लेकिन तो भी थोड़ी शुगर बढ़ती है। फिर आपने उसको दलिया बना दिया और ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर यहां से 20% शुगर बढ़ने लग जाएगी। ये मैं एक एवरेज आइडिया दे रहा हूं, कोई रिसर्च किया हुआ कोई वर्क नहीं है, मैं एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे शुगर बढ़ने का कारण बनता है। इसी तरह अब इसको मैंने आटा बना दिया, मैंने आटा बना दिया, तो अब आटा जो है उससे शुगर अब 50-70-80% जल्दी बढ़ेगी। अब आटे से शुगर बहुत और जल्दी बढ़ेगी। उसके बाद अगर आपने आटे में से फाइबर निकाल के उसको मैदा बना दिया, तो अब शुगर आपकी 100% बढ़नी ही है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और उसके बाद अगर आपने उसको फ्राई कर दिया, जैसे लोग कचौरी मट्ठी या समोसा कुछ भी बना देते हैं, तो अगर वो फ्राई हो गई, तो फ्राई होने से क्या होता है, एक तो रिफाइंड स्टार्च ऊपर से एक फैट कंटेंट, तो दोनों को ब्रेक डाउन करने में हमारे डाइजेशन ग्लैंड्स को 4 गुना ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो देखिए अल्टीमेटली हमारा सिस्टम ब्रेक डाउन होता है तभी तो शुगर होती है ना, अगर ब्रेक डाउन नहीं होता तो शुगर नहीं होती। तो अब ये ब्रेक डाउन करने के कारण बनते हैं। इसीलिए आपने कभी भी एक बार नोट किया होगा, ये जितने हमारे नॉर्थ इंडिया में जो अग्रवाल परिवार होते हैं, इनमें जनरली ये लोग डायबिटिक होते हैं अक्सर। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इनको सुबह बेड़ी भी पूरी खानी है, या इनको सुबह हलवा पूरी खानी है, क्या पराठा खाना है, इनको तला हुआ जो भी होता है, तो ये सब नॉर्थ इंडिया की जनरल हैबिट है, पैटर्न है हमारा। लेकिन देखिए उसी के मुकाबले में आप देखोगे कि जहां साउथ इंडिया में इडली और डोसा और उपमा ऐसे सिंपल सिंपल जब खाया जाता है, तो वहां की डायबिटीज उतनी अभी प्रोमिनेंट नहीं है। हालांकि डायबिटीज सब जगह पर है, लेकिन एक कंपैरिजन करें तो नॉर्थ वालों की ज्यादा डायबिटिक है, यूं समझ लें। तो इस तरह से डाइट का जो जिक्र किया है यहाँ पे, मैं वेस्टर्न डाइट को भी बात करना चाहूंगी। जैसे हम सैंडविच खाते हैं, पास्ता खाते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, क्या वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते? नहीं नहीं, देखिए अभी देखिए एक्चुअल में ये जो प्रथा है, देखिए आज जैसे आपने देखा होगा कि दालें, दाल जो है जैसे बॉडी में समस्या पैदा करती है, तो साउथ इंडिया में लोग इतनी वेजिटेबल डाल देते हैं कि दाल की एसिडिटी को निकालने के लिए अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है, फिर वो सब्जियां डालने से अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है। सिंधी लोग है ना, गुजराती, वो भी कढ़ी बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जियां बहुत सारी डाल देते हैं सिंधी लोग भी। तो इसी तरह अब ये प्रथाएं जो है, लेकिन अभी मैंने एक बात देखी है कि बाहर के विदेशों में जहां पर जो सब्जियां डाली जाती है वो बहुत कमजोर, 10% थोड़े से उसके अंदर वो ब्रोकोली में, मटर के दाने में, क्या तरनी, सॉरी दूसरे दूसरे जो शिमला मिर्च वगैरह होती है वो बड़ी कमजोर होती है, मतलब जैसे तो इसीलिए वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करती। पर हाँ, पास्ता के साथ में, हालांकि पास्ता और पिज्जा जो है वो टोटली रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, और इसका एक सबसे बड़ा आपने अनुभव अभी अभी कर लिया होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना का जो अभी महाकाल चला, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा सफर करती रही, क्योंकि वहां की हैबिट ये इन चीजों की, और इटली में सबसे ज्यादा थोड़ा लोगों को डैमेज हुआ। तो इस तरह की हैबिट जो है ना, वो उनको, उनके अंदर डेफिशिएंसी बहुत सीवियरली क्रिएट करती है। तो इसीलिए हमें सैलड बहुत सारा खाकर बाद में, जैसे अगर थोड़ा सा पास्ता या पिज्जा खा रहे हैं तो वो टॉलरेबल है, क्योंकि बॉडी जो है ना अकोमोडेट कर लेती है। और देखिए हम लोग भी जनरली ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमें देखिए हमारे जीवन में कई चीजें आजकल इतनी घुस चुकी है कि हमें रिफाइंड प्रोडक्ट से बचना बोले तो एक अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, यूं समझ लें। अभी कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि घर में चलो आज 2-4 महीने में कभी ऐसा मूड आता है कि सैंडविच बनाया जाए भाई। अब सैंडविच जो कितना भी ढूंढ लो, आटे की ब्रेड तो मिलती नहीं है ओरिजिनली, तो थोड़ी बहुत जो बोलते हैं ना कि होल ग्रेन मिल जाती है तो हम उसको लाते हैं, तो उसके अंदर फिर अब सैंडविच खाते हैं, तो अब उसमें बहुत सारे सब्जियां वगैरह डाल देते हैं, तो फिर वो बस इस तरह से थोड़ा वो मतलब मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है कि जो ग्रेन्स हम खाते हैं ना, वो ग्रेन्स जो है जितना होल ग्रेन की तरफ होगा, और अच्छा इसमें भी एक बात बता दूं, सूखा ग्रेन खाते हैं तो फिर डायबिटीज जल्दी बढ़ती है, और अगर पानी में उबाल के खाते हैं तो डायबिटीज कम बढ़ती है। इसका कारण क्या बता रहा हूं कि जब हम जैसे दलिया, खिचड़ी, ब्राउन राइस अगर हम बॉइल करते हैं ना, तो वो पूरी की पूरी तरह कुक होता है, उसका स्टार्च कन्वर्शन होता है प्रॉपरली। लेकिन अगर ड्राई खाया, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ड्राई,
तो रोटी जो है ना शुगर बढ़ाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार है। कारण क्या है, हम 2 मिनट वाली रोटी खाते हैं जो जल्दी फट करके आग में ऐसे उपज जाती है, यानी कि फूल जाती है, और फिर हम उसको खाने का प्रयास करते हैं। तंदूर देखिए, उसमें भी जो डेंजरस जो थोड़ी रोटी है वो है तंदूरी रोटी, क्योंकि आपने देखा होगा तंदूर में फट करके अंदर डालते हैं, 1-2 मिनट हीट, हाई हीट में वो कुक होता है, ऊपर की परत पकती है, और बाद में अंदर जो है वो अधपचा स्टार्च रह जाता है। यही अधपचा स्टार्च जो है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि अगर तंदूरी रोटी अगर 5 मिनट छोड़ दी जाए तो वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती है, उसको तोड़ने में आपके हाथ को भी तकलीफ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो चीजें आते कैसे तोड़ेगी। तो ऐसी रोटी जब खाई जाती है ना, तो वो फिर आपके शुगर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो इसीलिए अगर रोटी भी खानी पड़े तो मैं लोगों को कहता हूं कि रोटी को प्रॉपरली रोस्ट करो, सेको। तो मैंने उसको सेकने का तरीका ये बताया। देखिए, एक होता है कि गुजराती लोग एक खाखरा खाते हैं, वो रोटी को धीरे से पापड़ की तरह ऐसे तवे के ऊपर 15 मिनट धीमे 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 ब्राउनिश कलर में सेक रहे होते हैं। तो सेकने से क्या होता है, वो रोस्टेड रोटी बन जाती है। अब आप देखोगे, आप देखिए, आप नॉर्मल 2 रोटी खाओ, आपका पेट भारी हो जाएगा और आपको 6-7 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। लेकिन वो टोस्टेड रोटी अगर आपने 10 भी खा ली ना, मैं आपको गारंटी देता हूं 2 घंटे में आपकी फिर भूख खुल जाएगी। 10 रोटी खाने के बाद भी बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हम लोग घर में खाखरा बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं खाखरा, और खाखरा बना के हम कई बार खाते रहते हैं खाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कितना खाया जाए, क्योंकि वो बड़ा टेस्टी लगता है और डाइजेशन भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि रोस्टेड रोटी जो है अच्छी होती है। अब जैसे लोग ब्रेड खाते हैं, तो 2 मिनट में जो पॉपअप वाला जो ब्रेड होता है ना, वो बड़ा डेंजरस होता है, वो आपने देखा होगा, अगर उसको जल्दी ना खाओ तो रबड़ की तरह टाइट हो जाता है वो। तो ऐसा 2 मिनट पॉपअप वाला जो ब्रेड होता है ना, वो कभी अच्छा नहीं होता, वो उसको टोस्ट करने का तरीका ये अच्छा नहीं है। तो प्रॉपर देखिए, मैं भी कभी कभार एंजॉय करता हूँ टोस्ट को। तो मैं टोस्ट को क्या, तो हमारे पास ओटीजी जो होता है, ओवन टोस्टर ग्रिलर, उसके अंदर हम करीब करीब 20 मिनट तक हम लोग उसको धीरे धीरे उसको सेक रहे होते हैं, और जब वो बिल्कुल करारा रस की तरह हो जाता है तो उसको हम खा रहे होते हैं। तो अब इसको तो चबाना भी पड़ेगा ना, और वो थोड़ा मीठा भी लगता है फिर। तो इसीलिए कभी भी देखिए, मेन सिद्धांत जो है ना डायबिटीज वालों को क्या समझना मालूम है, कि जो भी ग्रेन आप जिंदगी में खाओ उसको पूरी तरह अच्छी तरह पका कर खाओ, मतलब सार सारा यही है। और अगर अगर किसी भी ग्रेन को खाना है तो ग्रेन पानी में भिगो कर फुला कर, जैसे आटा भी पहले भिगो के होता है ना, हमारे भारत में तो पता है आटा को भिगो कर रखते हैं हम लोग, हाँ, यानी तो चावल और दाल को हम भिगो के रखते हैं। तो ऐसे मान लो शाम को दाल बनानी तो सुबह भिगो के रख देते हैं। तो भीगने के बाद में क्या होता है, एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी उसकी हल्की हो जाती है, जिससे कारण हमारे पैंक्रियास पे बोझ नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं, ग्रेन को हमेशा भिगो के यूज करना, और दूसरा उनको पानी में उबाल के खाना, और तीसरा जहां अगर सूखा खाना है तो अच्छी तरह सेक कर खाना, कि जिससे आपको चबाने की जरूरत पड़े और आपको मतलब पेट पे जो है बोझ ना पड़े, इस तरह से। तो ऐसे ग्रेन का जो उपयोग है लोग जो है करेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। और फिर भी एक बात चाबी हर एक के दिमाग में पक्की रहनी चाहिए कि खाली अगर रोटी दाल ही खाते रहे और फल सलाद नहीं है, तो फिर वो आज नहीं तो कल तो ब्रेकडाउन तो बॉडी में आएगा। तो इसलिए मेरा मानना क्या है, आप कोई भी ग्रेन खाइए, और देखिए अगर आपको डायबिटीज है तो उसका तरीका ठीक करने का क्या मालूम है, कुछ दिनों तक आप देखिए, एक दो मील तो आप सुबह शाम फल खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, तो उनको सुबह नाश्ते में लंच तक उसके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं अनाज नहीं खाऊंगा। तो कम से कम सुबह सुबह एक पेड़ भर के जो सीजनल फ्रूट्स है वो खाया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फलों के बारे में लेकर भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये अब देखिए, ये तो वर्ल्ड वाइड अब जो है रिकॉग्निशन आ चुका है। अब सब डॉक्टर भी बोलने लगे हैं कि मीठे आम, केले, चीकू सब खाए जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल जो फ्रुक्टोज होती है वो कभी शुगर नहीं बढ़ाता। इसीलिए डायबिटीज वाले, देखिए मैं तो 40 साल से लोगों को, डायबिटीज वालों को गन्ने का रस पिला रहा हूँ, खजूर खिलाता हूँ, आम खिलाता हूँ। तो इसीलिए डायबिटीज वाले सारे मीठे फल आराम से खा सकते हैं, और फिर वो तो सुबह शाम डायबिटीज वाले फल खाएं, और लंच में डिनर में सैलेड और स्प्राउट्स की मात्रा ज्यादा से ज्यादा एकदम मैक्सिमम रखें,
और थोड़ी सी कोई बॉयल सब्जी जो एक चम्मच तेल में छोंकी हुई हो, लाइट मसाले हो, और उसके साथ में अब जो ग्रेन खा रहे हैं, जो मैंने ग्रेन का तरीका बताया कि अगर पानी में उबला हुआ ग्रेन है और थोड़ा खा रहे हैं तो वो उनको शुगर जो है बहुत कम बढ़ाएगा। और अगर रोटी खानी है तो फिर रोटी को इतना सेक के कोई लाता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए उससे बेटर फिर चावल है, खिचड़ी है, दलिया है, ये थोड़े बेटर है। अच्छा, इससे भी बेटर अगर मैं थोड़े ऑप्शन देने जा रहा हूँ, जिसमें अगर मान लो कोई सलाद और सब्जी खा रहा है और उसके साथ में केवल अगर भुने हुए आलू खा रहा है, सिर्फ भुने हुए आलू, तो आलू जो है ना वो अल्कलाइन होते हैं, है तो कार्बोहाइड्रेट बट ऑल्कलाइन कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए वो नुकसान नहीं करते और वजन नहीं बढ़ाते और हमारी शुगर नहीं बढ़ाते। अच्छा, और उसी को अगर शकरकंदी खाया जाए, स्वीट पोटैटो, तो वो भी आपकी शुगर नहीं बढ़ाती, वो भी आपके बॉडी को बहुत हेल्प करती है। अच्छा, इसके बाद में भुट्टे के दाने जो होते हैं, अमेरिकन कॉर्न्स, तो अमेरिकन कॉर्न्स चूंकि फ्रेश ग्रेन है इसलिए वो भी शुगर नहीं बढ़ाते क्योंकि वो फ्रेश कंडीशन में है। इसीलिए इसी तरह सिंघाड़ा होता है, तो सिंघाड़ा भी कभी भी है ना शुगर जल्दी नहीं बढ़ाता। तो इस तरह से, और स्प्राउट्स जो होते हैं तो स्प्राउट्स को कभी कभार कच्चा तो खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार उसको हल्का सा स्टीम भी कर दिया, चने हैं, मूंग है, तरह तरह के जो स्प्राउट्स होते हैं तो उनको भी कभी कभार स्टीम करके लेने से उनको काफी जो है आराम मिल सकता है। और आजकल वैसे टोफू जो है सोयाबीन का वो काफी मिलने लग गया है, तो टोफू भी जो है उसको भी सलाद के अंदर मिक्स करके खाया जा सकता है। और अगर मिक्स नट्स खाना चाहें, जैसे कोकोनट है, जैसे मूंगफली है, काजू बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, जो भी नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं आजकल, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, ये सब नट्स एंड सीड्स भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा फीलिंग आ जाती है। फिर आप जब आपको रोटी की क्रेविंग नहीं आती, अगर आप इस तरह का कुछ खाना, अगर रोटी के बजाय अगर आप इन तरह की चीजों का इस्तेमाल करो तो इस तरह से ग्रेन से बचने की कोशिश करो। अगर फिर भी मान लो अगर लेते भी हैं ग्रेन तो कोशिश करें कि मात्रा उसकी कम से कम रहे। तो लंच और डिनर में अगर ग्रेन बहुत कम रहेगा और सलाद स्प्राउट्स अच्छा मात्रा में रहेगा और सुबह शाम फल खाने में रहेगा, तो उनकी शुगर फिर धीरे 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 डाउन होनी है, ये 100% श्योर है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आपको इंसुलिन जो है या दवाई जो भी आप खाते हैं आपको चेक करके ही लेनी है, क्योंकि 3, 4 या 8 दिनों के भीतर भीतर शुगर एकदम नॉर्मल होके डाउन हो सकती है। तो इसीलिए रोज आपको शुगर चेक करके ही इंसुलिन छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है अपने, क्योंकि इसमें डेफिनेटली शुगर आपकी डाउन होने वाली है। और गोली भी जो है अपने आप को मैनेज करते हुए उसको धीरे धीरे छोड़ना है इस तरह से। तो ऐसे करके हम लोग जो है ये और देखिए, मेरा मानना ये है कि आप जिस डॉक्टर के संपर्क में हैं आप उनको जरूर राय लें उनकी कि भाई मैं इसी तरह के प्रोग्राम पे गया हूँ तो मेरी शुगर थोड़ी चेंज हो रही है, तो यू कैन आस्क डॉक्टर, यू कैन हैव ए मेडिकल एडवाइस ऑल्सो। ये तो मैं जनरल वे में बता रहा हूँ, तो यू मस्ट हैव ऑलवेज ए कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर इटसेल्फ। तो इस तरह से आपकी शुगर जो है ना काफी कंट्रोल में आ जाएगी। और साथ साथ में देखिए, ये भी एक नॉन फैक्टर है कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज ज्यादा जोड़ी, जो लोग खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं घंटा तक, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, जो भी, तो उससे भी उनकी शुगर बहुत कंट्रोल में आ रही। क्यों मालूम है? एक्सरसाइज से एक तो स्ट्रेस रिलीज होता है जी। और दूसरा हमारे ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट होकर उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। जहां हम 100 ग्राम अनाज पचा सकते थे अब हम 200 ग्राम पचा सकते हैं क्योंकि अब हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड स्ट्रांग हो गई है। तो मेरा मानना क्या होता है कि शुगर की जो प्रॉब्लम लोगों में जो रेज हुई ना, उसके पीछे एक रीजन और भी है। क्या मालूम है कि देखिए, हम 25 साल तक जब यंग होते हैं ना, कॉलेज में होते हैं, तो हम लोग खूब भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं और सब कुछ खा पी रहे होते हैं और हमें कुछ नहीं होता उस समय। लेकिन होता क्या है कि 25 साल के बाद में हम जब ऑफिस में ज्वाइन करते हैं और फिर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो हम तीनों टाइम खाने के जो आदि थे, इवन मिड ब्रेकफास्ट भी, तो वो चार हम ऑफिस में जाने के बाद वो पुरानी हैबिट को ही मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर सुबह में 2 पराठे खाता था, दोपहर को 4 रोटी खाता था, रात को 4 रोटी खाता था, तो वो मैं ऑफिस जाने के बाद में, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने के बाद भी मैं ऐसा ही जीवन जी रहा होता हूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि अब आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण आपकी मेटाबॉलिज्म जब लो हो जाती है ना, तो आपका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो 50% काम कर रहा होता है। तो अब आपका जो जो रोटी अब आपके बॉडी पे 4 गुना ज्यादा भारी पड़ रही होती है, तो उसका ब्रेकडाउन बहुत फास्ट होने लगता है।
तो इसीलिए डायबिटीज इतना ज्यादा होने का और एक रीजन जो अब इस जमाने में, मॉडर्न जमाने में जो आजकल है, उसका कारण यही है कि पुरानी जो जवानी की जो खाने की आदत है वो आपने अपने ऑफिस में भी मेंटेन की हुई है। इसीलिए जो लोग मेंटल वर्कर होते हैं ना, उनको पेट पे जोर कम देना चाहिए। उससे क्या होता है कि उनको मतलब, क्योंकि उनका काम मेंटली ज्यादा है, और अगर यहाँ ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ानी है तो पेट को काम ज्यादा दे नहीं देना चाहिए, तो आप अच्छा माइंड का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से ये थोड़े से केयर करने से हमारे डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो हम काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशनली मेरा कहने का मतलब है, हैव ए मोर अल्कलाइन डाइट लाइक फ्रूट्स एंड नट्स एंड स्प्राउट्स एंड सैलेड्स एंड और वेजिटेबल जूसेस वगैरह खूब पिए, तो उससे ना शुगर धीरे धीरे आपकी 100% बैलेंस में आएगी। और जो मैंने एक तीसरा कारण बताया था केमिकली, तो देखिए हम जो भी मेडिसिन लेते हैं ना वो बॉडी के लिए डैमेजिंग ही होती है, क्योंकि उसके वो अल्टीमेटली एसिडिक है बॉडी के लिए, और वो हमारे हार्मोन को भी डिस्टर्ब करती है। और देखिए डायबिटिक की गोली भी और इंसुलिन भी हमारे बॉडी में ना बड़ा चेंजेस ला रही होती है। तो इसीलिए मेडिसिन तो ठीक है, इमरजेंसी में आपने 2-4 दिन 10 दिन ले ली, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे मेडिसिन से ठीक नहीं होना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक होना है। ये एटीट्यूड सबके अंदर होना चाहिए, तभी आप इसके डैमेजेस से बचोगे और जो डायबिटीज के जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं, जैसे किडनी खराब होना, नर्वस सिस्टम डैमेज होना, हार्ट खराब होना, आंखें खराब होना, ये सब नहीं होगा अगर आपने अभी से ही उसको केयर करना शुरू कर दिया। तो डायबिटीज एक्चुअली कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक इग्नोरेंस की बीमारी, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये खाली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बस थोड़ा सा आपने चेंज किया तो वापस आप रिवर्स हो जाते हो। तो डायबिटीज से रिवर्स होना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, आप में अंदर थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए इस तरह से। तो ये मतलब बेसिकली थोड़े से मैंने मेंटली, न्यूट्रिशनली और केमिकली, ये तीन मेजर कॉज के ऊपर मैंने आपको चर्चा की अभी। जी, तो आपने तीन कॉजेस हमें बताए, मेंटल, हाँ जी, मेंटल को, और आपका डाइट आपने यूज का, और जो आपने केमिकल का बताया, उसको भी रिवर्स किया जा सकता है अगर हम अच्छी अल्कलाइन डाइट लें, ऐसा कुछ ना ले जो एसिडिक हो। और आपने जिस तरह बताया कि जो दिमाग का काम कर रहे हैं उन लोगों को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि पेट पर ज्यादा जोर न दें, यानी हैवी खाना ना खाएं। हाँ जी, और साइकोलॉजिकली भी किस तरह के उनको अफर्मेशंस करने चाहिए या किस तरह से सोचना चाहिए जब वो खुद को ठीक कर रहे हो, जब खुद को हील कर रहे हो। देखिए पूर्णिमा जी, बेसिकली क्या होता है मालूम है, हमारे कॉन्सेप्ट ही हमारे जीवन को बना रहे होते हैं, हमारी मान्यताएं, हमारे जीवन विश्वास हमारे जीवन को बना रहे होते हैं। अगर किसी के दिमाग में देखिए अगर ये एटीट्यूड ही नहीं है कि बीमारियां जो है हम ही पैदा कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अंदर से आनी चाहिए ना, पता नहीं ये कहाँ से आ गई जी, हम तो घर का सीधा साधा खाना खा रहे थे जी, हम तो होटल में नहीं खाया जी मैंने आज तक कभी जी, पता नहीं मुझे डायबिटीज क्यों हो गई जी। तो उनको ये पता नहीं है कि उनका माइंड जो है वो बड़ा शरीफ शराफत वाला माइंड था भाई, सारे दिन दुनिया को माप के परेशान होता था, यानी तो वो खाली रोटी दाल ही खाया जा रहा था, एक्सरसाइज वो फल सलाद की आदत ही नहीं थी। आज भी आप भारतीय महिला में देखोगे ना तो एक्चुअल में सलाद फल की आदत नहीं होती है। कई महिलाएं क्या बोलती हैं मालूम है कि हमको तो फल खाने से ना जी प्रॉब्लम हो जाती है जी मुझे, तो लोग इस तरह की महिलाएं बोलती भी है। और हमारे यहाँ सलाद खाने की औरतों की आदतें कैसी मालूम है, एक टुकड़ा ककड़ी का, एक टुकड़ा प्याज का, एक टुकड़ा शिमला मिर्च का, बस ऐसे थोड़ा बहुत थाली में खा लिया तो वो समझे कि मैंने सलाद खाया। तो हम तो ऐसे सलाद खाने वाले लोग हैं। तो इसलिए जब तक इन चीजों में परिवर्तन नहीं आएगा ना हमारी इन हैबिट में, तो पहले तो उनके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल दिस इज, ये डिजीज जो है मैंने क्रिएट किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो आई ओनली कैन क्योर। अगर मैं क्रिएटर हूं तो मैं इसमें हेल्थ का भी क्रिएटर हूं, तो मुझे अपने हेल्थ की केयर करनी चाहिए, मुझे सही आहार खाना चाहिए। तो पहली बात तो इसलिए क्या होता है कि अफर्मेशन से भी ज्यादा हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होना चाहिए। अगर उनका बिलीफ सिस्टम इस तरह का है कि अगर हो गई तो हो गई भैया, अब ऐसी कोई दवा ढूंढ लेते हैं किसी डॉक्टर के पास जाके कि जिससे हमारी शुगर जो है नॉर्मल हो जाए, तो उनको ये दिमाग में नहीं है कि मैं लाइफस्टाइल ठीक करके अपने शुगर ठीक करूं। उनके दिमाग में क्या है, कोई इंसुलिन दवा तो लेनी तो पड़ेगी ना भाई साहब, ऐसे थोड़ी कोई आदमी ठीक होता है जी कभी। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, जो मेडिसिनल एटीट्यूड, ये बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है कि समथिंग विल कम फ्रॉम आउट एंड हील मी एंड करेक्ट मी।
तो इससे अगर आदमी ये अगर इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आया ना तो वो धोखे में रहेगा और वो आदमी तो कल परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए उनका माइंडसेट ठीक होना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड में चेंजेस आना बहुत जरूरी है। जी, तो बिलीफ सिस्टम में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हैं, कोई भी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, शुगर हो, या कोई और बीमारी हो। और डाइट आपने जिस तरह बताई है कि जो हमें अन्न है वो कम खाना चाहिए, और ग्लूटेन पर आपने जिस तरह जोर दिया कि जो रोटी है वो भी एक ऐसी चीज है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए, और फल के बारे में आपने ये कहा कि फल खाए जा सकते हैं, फल में जो शुगर होता है वो नुकसान नहीं करता है। तो हाँ जी जी, तो इस तमाम चर्चा के लिए और डायबिटीज से जुड़े जो रूट कॉजेज हैं उसके समाधान बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत, मेरा भी बहुत बहुत, सबको, सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। धन्यवाद।